सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, हम लोग मैथ्स का चैप्टर थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको आज चालू करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर थर्ड है आपके बुक का ये। और हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे पहले तो होता क्या है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसके बारे में, आप लोगों ने क्लास सब्सिक्वेंट क्लासेस में अपने सिक्स्थ में सेवन्थ में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है ना। नंबर लाइन क्या होती है, ऐसी सिंपल लाइन जिसमें इंटीजर जमे होते हैं, बीच में जीरो होता है, 1, 2, 3, 4, 5 से इधर प्लस होते हैं नंबर, इधर माइनस की तरफ जाते हैं, घटते नंबर है, उधर इंक्रीज होते हैं, इधर डिक्रीज होते हैं। तो -1, -2, -3, -4 उधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप कितनी बड़ी बना सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब एक तरह से ये नंबर लाइन दो तरह की हो गई, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। आप दोनों को नंबर लाइन ही मानिए ना, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, ये वर्टिकल। तो इसमें क्या हुआ, इसमें नंबर ऊपर की तरफ प्लस होंगे 1, 2, 3, 4 और नीचे बीच में जीरो आता ही है, नीचे -1, -2, -3, -4 होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ये हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, लेटी हुई लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसे एक्स के नाम से हम मानते हैं, और खड़ी लाइन को, वर्टिकल लाइन को वाई बोलते हैं। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे राइट की तरफ प्लस में ऐसी, ऊपर की तरफ प्लस में, टॉप में प्लस में, बॉटम माइनस, लेफ्ट माइनस, ठीक है। जहां जहां माइनस का आएगा, जैसे मान लीजिए ये एक्स है, अगर माइनस में लिख रहे हैं तो एक्स डैश, ठीक है, ये एक्स डैश, ऊपर प्लस में है तो वाई, नीचे माइनस में लिख रहे हैं तो वाई डैश, ठीक है। इतना अंडरस्टूड होगा आप लोगों को। तो नंबर लाइन है, देखिए आप लोगों को मैं एक थोड़ी सी हिंट देता हूँ याद करने के हिसाब से इसको, कि आप कहीं यू कन्फ्यूज ना हो जाओ कि एक्स किधर आएगा और वाई किधर आएगा, वैसे होना नहीं है, छोटी सी बातें ही है। फिर भी ये खड़ी लाइन है ना, बिल्कुल वर्टिकल है, तो वाई भी ऐसे ही बनता है, वाई भी ऐसे ही बनता है बिल्कुल खड़ी लाइन से। हम वाई को ऐसे ही बनाते हैं और उसमें यू करते हैं, तो एक सीधी एक वर्टिकल लाइन कब हो गया, ठीक है। और बाकी एक्स तो है इसी, प्लस माइनस का ध्यान रखना भी कोई खास नहीं है। आप हमेशा टॉप, जो टॉप ऊंचा जाना प्लस को दिखाता है, तो टॉप तो ऊपर है, प्लस है, और नीचे आना माइनस को दिखाता है। ऐसे ही राइट जाना प्लस को दिखाता है और लेफ्ट आना माइनस को दिखाता है ना। ऊपर वाई है, इधर एक्स है, नीचे y डैश है, इधर x डैश है, ठीक है। अब बात आप लोगों को याद रखनी है कि x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एप्सिका। जो x कोऑर्डिनेट पूरा है, देखिए x कोऑर्डिनेट पूरा प्लस का भी माइनस का, उसको क्या बोलते हैं अपन, एप्सिका, a b s i double c a। और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं है ना, ऑर्डिनेट, o r d i n a t। पूरी x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एप्सिका, वाई वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, y एक्सिस और x एक्सिस, या y लाइन और सॉरी y की वर्टिकल लाइन और x की, ये जो इंटरसेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं, यहां पे इंटरसेक्ट किया, इसको मैं बोल रहा हूँ जीरो पॉइंट लेते हैं ना अपन, उस जीरो पॉइंट को बोलते हैं ओरिजन, क्या बोलते हैं, ओरिजन, ठीक है। बस काफी दस में ये आपके लोगों के उसके हिसाब से, तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से देखिए, जो आपकी ये एनसीईआरटी उसमें 3.1 तो कोई काम की नहीं है, वो एक टेबल लैम्प के बारे में दे रखा है, कोई ऐसा खास ना समझने का ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला क्वेश्चन है। आप लोग एक्सरसाइज 3.2 निकालिए और उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन भी है तो सिंपल सही, लेकिन चीज़ समझने वाली है। राइट द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम क्या होता है, तो मैंने पहले ही बताया कि हम हॉरिजॉन्टल को तो क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल सीधी खड़ी भी को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस, इसमें आप लोग ये लिख लेंगे। सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। अच्छा ये शायद मैंने बताया नहीं, फिर भी देखिए सुन लीजिए आप लोग। ईच पार्ट, जैसे मान लीजिए ये लाइन्स इंटरसेक्ट हुई, अब इसने चार पार्ट बनाए, ये मैं ये मिटा देता हूँ कोऑर्डिनेट और एफसी का। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे, मैंने वो थर्ड वाला जो पॉइंट था उसमें बताना, देखिए ईच पार्ट, अब देखिए लाइन इंटरसेक्ट हुई तो इसमें ये है कि चार पार्ट बन के आए, एक ये एक टुकड़ा, दो, तीन, चार। इन चारों पार्ट के नाम होते हैं क्वाड्रेंट, क्या नाम होते हैं, क्वाड्रेंट, क्यू यू ए डी आर ए एन टी, ठीक है। इन चारों नाम के पार्ट के नाम होते हैं क्वाड्रेंट, तो सेकंड वाले का आंसर तो आपका क्वाड्रेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस का आंसर है क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये मतलब क्या है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट का और कैसे आप लोग इसको समझेंगे, पहले एक काम करते हैं थर्ड भी अपन पूरा कर लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हुई टकरा गई उसका नाम क्या है, ओरिजन, क्या नाम है, ओरिजन, ओ आर आई जी आई एन। तो फर्स्ट के तीनों आंसर हो गए, पहला था हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को
y एक्सिस, ईच पार्ट जो इन लाइंस ने बना उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, और थर्ड क्या था कि वो लाइन जो इंटरसेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये आप लोगों का पूरा हो गया। अब आप लोग एक चीज और सुन लीजिए, इसमें थोड़ा बहुत है ना, इस चैप्टर में इतनी सी बात है कि लिखने का तरीका आप लोगों को देखना है कि कैसे चीज़ों को लिखना है, और मतलब कहते हैं ना कि दो चार नंबर का चैप्टर है और कुछ खास इसमें है नहीं, बस इसमें थोड़ा MCQs वगैरह एक मार्क्स के क्वेश्चन है वो थोड़ा घुमा के आ सकते हैं। जैसे ओरिजिन वाली बात पूछ ली, लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या बोलते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की और वाई की वैल्यू किस में होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, तो हमें याद रखना दोनों पॉजिटिव होती है। और ये हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई नंबर मार्क करेंगे हम, जैसे मान लीजिए मुझे ग्राफ पे पुट करना है 3 और 5, 3 और 5 का मतलब क्या है कि 3 तो मेरा एक्स एक्सिस का होना चाहिए, अच्छा 5 तो बन नहीं पाया कोई बात नहीं, 3 और 2, 3 x-axis का होना चाहिए और y 2 x-axis का होना चाहिए, तो 3 और 2 के ग्राफ पे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करूँगा ना वहाँ मैं ये पॉइंट मार्क कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट मार्क नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्राफ नहीं है। आप लोग ग्राफ पे करेंगे तो ग्राफ पे तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, zigzag सा बना होता है, तो काफ़ी सिंपल हो जाती है ये चीज़। तो 3 को आप यूँ लेंगे, 2 को यूँ लेंगे, जहाँ मिलेंगे 3-2 मार्क हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये 3-2 लिखना या फिर 2-3 लिखना, या तो आप 3-2 लिख सकते हैं या 2-3 लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना क्योंकि 2-3 गलत हो जाएगा। आपको पहले हमेशा सिस्टम से चलना है, तो पहले x वाले का नाम लिखना है फिर y वाले का नाम लिखना है, पहले x वाले नाम क्या नंबर लिखना है, पहले x वाले का, x कोऑर्डिनेट का, फिर y वाले कोऑर्डिनेट का, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्लस प्लस कहाँ आते हैं, माइनस प्लस कहाँ आते हैं, तो कभी भी इनको याद मत करना, कोशिश मत करना याद करने की, मुझे याद नहीं हो अभी तक। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से बना लेंगे, कोई सेकंड्स लगेंगे, सेकंड्स। आप लोगों ने रफ में ही बनाया, आपको पता है इधर नंबर प्लस के जाते हैं, इधर भी प्लस के आते हैं, तो यही प्लस का बनता है दोनों। ठीक है, इधर नंबर माइनस के आते हैं तो हमें लेकिन पहले एक्स लेना होता है तो माइनस प्लस, इधर नंबर माइनस के आते हैं दोनों माइनस होगा इधर, तो और इधर एक्स प्लस का है तो हम पहले प्लस का लेंगे और फिर माइनस का लेंगे। जल्दी से एक सेकंड में ये आपका बन जाना चाहिए, फिर आप लोग पॉइंट मार्क करेंगे। इसको रटने की कोशिश नहीं करेंगे कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो अगर आपको आया क्वेश्चन आया कि 3 और 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 और 2, उनको कौन से क्वाड्रेंट में मार्क करोगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका आंसर आएगा। अब पॉइंट आया कि -2 और 2 को का मार्क करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस का एक्स कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और प्लस का वाई कहाँ होता है, वो सेकंड, मतलब माइनस एक्स प्लस वाई सेकंड क्वाड्रेंट में एक साथ आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ज़्यादा हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के हैं तो, लेकिन वो चीज़ तो है ही कि हमको एक्स पहले लिखना है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं, बच्चे वाई पहले लिख देते हैं, एक्स बाद में लिख देते हैं, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस का, वाई माइनस का, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का। ठीक है, इसमें इतना काफ़ी है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए आ गया कि 0.30 मार्क कीजिए, क्या पॉइंट मार्क करना है, 3 और 0, या आया 0 और 3 मार्क कीजिए, 0.30 ग्राफ पे मार्क कीजिए और 0.03 मार्क कीजिए, तो 3 और 0 तो आप लोग कैसे मार्क करेंगे। हमें पता है कि पहला नंबर x का दिया होता है, दूसरा नंबर y का दिया होता है, पहला नंबर x का दिया होता है, दूसरा नंबर y का दिया होता है, तो x का 3 ये रहा। अब आप बहुत उससे पूछ सकते हैं कि y का 0 कहाँ है, y का 0 तो है ही नहीं, है ना, y तो 1 से चालू हो रहा है। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि दोनों नंबर का 0 ही ओरिजिन पे होता है, चाहे वो x हो या y हो। अब आपको x का 3 मार्क करना है, तो ये रहा x का 3 और y का 0 तो यही होगा, तो जो x का 3 था वही आपका आंसर हो गया, ये हो गया 3 और 0 मार्क, y तो 0 यही है ना, तो ये मार्क हो गया। लेकिन 0-3 करना है, x 0 होना चाहिए और y 3, तो y का 3 ढूंढिए, ये रहा y का 3, तो यहां मार्क कर दीजिए। तो यानी कि 0 के केस में आपको याद रखना है कि जब 0 और दूसरा नंबर है, और अच्छा यूं आ गया तो दोनों के 0 मार्क करो, तो ये रहा ओरिजन। ठीक है, दोनों के 0 कहां हैं, बिल्कुल ओरिजन पे, और 0-3, 3-0 तो मैंने आपको बता दी। ऐसे -4-0 आ गया तो कहां मार्क करेंगे आप लोग, -4 तो एक्स का है तो इधर आ जाइए, यही मार्क हो जाएगा, लेकिन 0-4 आ गया तो यहाँ मार्क करेंगे। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर हम लोग अगले इसमें पार्ट में, ये पार्ट 1 था, सेकंड क्वेश्चन को उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।